हेलो नमस्कार। कक्षा 11 के सिलेबस में अपने चल रहे हैं और आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर संख्या 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर, जिसमें चैप्टर में मुख्य जो टॉपिक है कार्य से शुरू होते हैं। नॉर्मली बल गुणा विस्थापन कार्य कहते हैं। यहाँ से शुरू करने से पहले हम इसमें कुछ एक दो बातें करेंगे। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं राशियों का सदिश गुणा और अदिश गुणा, पहले भी हम कर चुके हैं ये बातें, शायद फोर्थ चैप्टर में हमने करी थी, उनमें के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं साथ में, तो रिवाइज हो जाएगा साथ में, दो जगह अपडेट हो जाएंगी। ये शायद फोर्थ चैप्टर में भी हमने इसको अपलोड कर रखा है रिकॉर्डिंग करके, और ये अब सिक्स चैप्टर में भी साथ में कर लेंगे हम, क्योंकि अब इनका सिक्स चैप्टर में सेवन चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो एक बार साथ में रिविज़न भी हो जाएगा और साथ में अपने काम भी आएगी, तो ध्यान रहेगी। सबसे पहली बात इसमें हम कर रहे हैं दो सदिश राशियों का, सदिश राशियों का अदिश गुणा। इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट नॉर्मली ये इस तरह से डॉट लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। शॉर्ट में समझने के लिए डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको। सदिश गुणा जो होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको ऐसे शो करते हैं, उसकी बात इसके बाद में हम करेंगे, पहले अभी इसी की बात करते हैं। सबसे पहले राशियां हम पहले पढ़ चुकी हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सब चीज़ें कर चुके हम, कि दो तरह की राशियां होती है अदिश और सदिश। अदिश वे होती हैं स्केलर क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, उनके अंदर हमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता, डायरेक्शन उनके अंदर नहीं होती है, नहीं पता चलती है। तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती है, जिनमें अदिश, अदिश का मतलब बिना, दिश का मतलब दिशा, बिना दिशा के जो होती हैं वो अदिश होती हैं। सदिश जिनमें दिशा होती है, विदाउट मैग्नीट्यूड तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, परिमाण होना ज़रूरी है। जब अगर हम यूँ कहें कि हम कुछ लेने जा रहे हैं मार्केट में और उसको कहें कि आप शॉप पे जाएं, कह दें कि भाई आलू दे दो, तो वो पूछेगा कितने, अपने फिर उसको कह दें भाई आलू दे दो, फिर वो पूछेगा कितने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ हम बिना क्वांटिटी बताए तो कुछ कर ही नहीं सकते। वहाँ हमें ये बताना ज़रूरी है भाई आधा किलो दे दो, एक किलो दे दो, तो वो आधा एक दो किलो वो क्या है, वो संख्यात्मक मान है, उसको परिमाण कहते हैं, वो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो तो ज़रूरी है वहाँ, वो तो बिना उसके न अदिश होता है न सदिश होता है, कुछ नहीं होता, वो तो परिमाण है, वो दोनों में होते हैं। अदिश में क्या रहते हैं, दिशा नहीं होती है, और सदिश में दिशा होती है। तो हम बात कर रहे हैं अदिश राशियां, तो वो होती है जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, वो सारी जो हम गणित में ये संख्याएं पढ़ते हैं सारी अदिश है, स्केलर है, तो उनका गुणा भाग तो सिंपल ही होता है, उनमें कोई नई गणित नहीं लगानी पड़ती। अब देखो क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना, तो ये तो नहीं है भाई गुणा तो हमने सीखा ही हुआ है इतने साल से, 10 साल से गुणा ही सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई। तो वहाँ गुणा कौन सा है, वो सामान्य गुणा है, दो को तीन से गुणा कर दिया 6 है, लेकिन यहाँ हम डायरेक्शन का भी गुणा करेंगे। इसलिए कैसी राशियों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, सदिश राशियों का। अदिश राशियों का तो वही है जो अब तक हमने किया है, वही है, अब हम बात कर रहे हैं सदिश राशियों का। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं, इकाई सदिश का, जिसको आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में व्यक्त करते हैं। एक्स अक्ष की डायरेक्शन में अगर है कोई वैल्यू तो उसके लिए इकाई सदिश यूज़ करते हैं आई कैप, वाई अक्ष में है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, जे कैप, और जेड अक्ष में है तो उसके लिए, अगर कोई वस्तु एक्स अक्ष के अनुसार है, जा रही है, ओनली एक विमीय गति है उसके अंदर, तो उसको हम आई कैप से शो कर देते हैं। अगर अपने पास ऐसा लिखा है 2i कैप, इसका मतलब है ये जो दो मान है वो कौन सी अक्ष पर हैं, एक्स अक्ष पर है। अगर अपने पास लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब ये जो पॉइंट है 2 वो तो एक्स पर है, और ये सॉरी जे कैप, अगर ये जो पॉइंट है वो इसका मतलब वो किस पर है, वाई एक्स पर। अगर प्लस में ये भी लिख दिया 5k कैप, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है वो कौन सी अक्ष पर है, जेड अक्ष पर है। इस तरह से इसके अंदर बातें होती हैं। तो ये सदिश राशियां होती है। अब इनके गुणा हमें सीखना है, दो तरह से होते हैं। अदिश गुणा का मतलब है कि अगर रिजल्ट अदिश आए, यानी जो रिजल्ट आए उनमें अदिश मान हो, उनके अंदर दिशा नहीं बचे, उनके अंदर केवल संख्यात्मक मान बचे, आई जे के वहाँ से हट जाएं, तो ऐसी वैल्यू अदिश राशि कहलाती है। यानी जैसे नॉर्मल संख्याएं 10, 20, 15, 5 ये हैं, ये रिजल्ट में आ रही हैं तो अदिश है। अगर सदिश है, सदिश का मतलब उसमें आंसर में भी आई कैप, जे कैप, के कैप आएंगे, वहाँ उससे पता चलेगा भाई इसमें भी डायरेक्शन है। तो पहली बात करते हैं अदिश गुणा की।
दो राशियां मान लेते हैं हम, क्या है माना दो राशियां, माना दो राशियां क्या है, ए वेक्टर है वह बी वेक्टर है। अभी ये बार बार जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि ये सदिश राशियां हैं, क्योंकि गुणा किसके हैं, सदिश राशियों का। इसलिए कैसे शो करते हैं इनको, वेक्टर लगा के शो करते हैं, ठीक है। आर वेक्टर हमने लिखा था, बहुत बार यूज किया आर वेक्टर को, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। अब इनका अदिश गुणा अगर करना है तो अदिश गुणा को सबसे पहली बात तो इस तरह से लिखा जाता है, ए डॉट बी, बीच में डॉट लगाएं और क्वेश्चन में एग्जाम में कुछ लिखा हुआ नहीं है ये लिख दें ए डॉट बी ज्ञात करो, तो हमें पता होना चाहिए कि ए डॉट बी का मतलब होता है अदिश गुणा। अगर लिख दें कि ए क्रॉस बी ज्ञात करो तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणा, तो वो अलग तरीके से होता है, वही तरीके हमें इसके देखने और सीखने हैं। अब a डॉट b इसमें इसकी जो वैल्यू होती है वो a का परिमाण इंटू b का परिमाण इंटू कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू होती है। a डॉट b की वैल्यू क्या होती है, a b कोस थीटा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। वेक्टर नहीं लगा तो इसका मतलब परिमाण है, वो परिमाण का मतलब केवल मान, दिशा नहीं है उसके अंदर। बी पे वेक्टर नहीं लगा इसका मतलब बी का परिमाण है। दूसरा तरीका क्या होता है, वेक्टर लगा के दोनों तरफ लाइन लगा दे, समांतर लाइन, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो लिखी गई वैल्यू है उसका केवल क्या लेना है, हमें परिमाण लेना है। वैसे हम कर चुके हैं पहले कैसे, फिर भी हम दोबारा देख लेंगे कैसे ज्ञात करते हैं परिमाण। ये एक बात तो ये है। अब देखो इसको सोल्व कैसे किया जाता है, दो तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। इसके लिए आई केप जे केप के केप के गुणा संबंधित कुछ नियम है, पहले हम उनकी बात कर देते हैं। तो अदिश गुणा की गुणधर्म, अगर ये कहें अदिश गुणा की गुणधर्म बताइए, प्रॉपर्टीज कहते हैं इनकी कि क्या क्या विशेषता होती है अदिश गुणा में। जैसे गुणा सीखने के लिए पहले हमें पहाड़े सीखने पड़ते हैं, जैसे इसके पहले क्या सीखनी पड़ेगी, हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इसकी विशेषता क्या है, कैसे होता है ये, फिर हम करेंगे गुणा कैसे होगा। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर पहला पॉइंट कि अगर आई कैप डॉट आई कैप, क्योंकि संख्याओं के साथ आई जे के भी आएंगे तभी तो वो सदिश राशियां हैं, इसका मान होता है एक। जे कैप डॉट जे कैप इसका मान भी होता है, और के कैप डॉट के कैप इसका मान भी होता है। अगर कहीं पर ऐसी वैल्यू आ जाती है आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, तो उसका मान क्या होगा, एक होगा। दूसरी बात, अगर कहीं ये आ जाए i डॉट j या उल्टा आ जाए j डॉट i, तो इसका मान क्या होगा। इसी तरह j डॉट k आ जाए या k डॉट j आ जाए, तो इसका मान भी क्या होगा। तीसरी बात, k डॉट i आ जाए या i डॉट k आ जाए, i कैप डॉट k कैप, तो इसका मान भी क्या होगा। इसका मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यही है कि हमें पता होनी चाहिए अदिश गुणा करने के लिए, ये इसकी खास बात है। तो यहाँ अगर सेम वैल्यूज है सदिशों में, सेम वैल्यूज का मतलब है उनके इकाई सदिश में, तो उनका उनका गुणा संख्याओं का तो संख्याओं से करेंगे, अभी हम करेंगे तब पता चल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। बाकी आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के उनका गुणा क्या होगा, वन होगा। अगर अलग अलग वैल्यूज का गुणा हो रहा है आपस में तो इसका गुणा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। एक दो बातें और कर लेते हैं पहले, इसमें करने से पहले दूसरी बात, ए डॉट बी जो है वो बराबर होता है बी डॉट ए के, यानी अदिश गुणा है तो सिंपल सी बात, अभी दो को हम तीन से गुणा कर दे तो भी छह उत्तर आएगा, और तीन को दो से गुणा कर दे तो भी छह उत्तर आएगा, यानी पहले और बाद में लिखने से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, इससे एक ही बात है भी, आप पहले लिख दो चाहे बाद में। आपसे ए डॉट बी पूछा, आपने बी डॉट ए लिख दिया, बी वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, ए वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे रिजल्ट विल बी सेम। अब सदिश में क्या होगा वो वैसे हम बाद में डिटेल में करेंगे, सदिश में क्या होगा, ए क्रॉस बी लिखेंगे हम, लेकिन वो बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होते, इसका उत्तर अलग आएगा, इसका उत्तर अलग आएगा, दोनों के अलग अलग उत्तर आएंगे, ठीक है। क्यों होता है इसका मतलब, सिंपल सी बात लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए बी सदिश का मतलब होता है ए से बी की ओर, इसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में, अगर देखें हम डेली रूटीन में तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, ए से बी की ओर। और बी ए सदिश अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बी से
तो दोनों एक बात कैसे हुई? एक बात हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ए ये है और बी ये है, ठीक है। अब ए से बी की ओर जाना है तो किसको चलना पड़ेगा? बी को जोर आएगा क्या? बी तो क्या करेगा, आराम से बैठा अपनी जगह पे खड़ा है। अब जब बी ए हमें बताना है तो बी किसको चलना पड़ेगा? तब ए को जोर नहीं आएगा, खड़ा रहेगा ना। और दूसरी बात जो अपने फिजिक्स की बात है इसके अंदर, वो क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए ना। बी जब ए बी हमें पता करना है तो इधर जाना पड़ेगा, और बी ए पता करना है तो, और ये डिफरेंस होता है भी वेक्टर क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई में। वैसे हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी साथ साथ समझना कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये डिफरेंस होते हैं। उत्तर वैसे कहें परिमाण सेम आएगा, दो बातें अभी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, सॉरी बी क्रॉस ए, ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लिख दें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। इनकी हम बाद में बात करें। सिंपल ये कह सकते हैं ए बी का मतलब है ए से बी की ओर जाना है, और बी ए का मतलब है बी से ए की ओर, तो डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, दिशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। तो मान जो है वो उसके डायरेक्शन में जो मान प्लस में आने वाला था वो क्यों उत्तर किस में आएगा? तो ये भी हम ध्यान रख सकते हैं, जब हम करेंगे तो चेंज यही आएगा, जो उत्तर प्लस में आ रहा था इधर से वो तो इधर से किस में आएगा? माइनस में आएगा। इसकी बात हम करेंगे बाद में, अभी वापस आते हैं इस पे। तो इसके अंदर क्या होगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टीज की है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्वेश्चन में कभी पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, इसके ए डॉट बी का मान निकालिए तथा बी डॉट ए भी बताइए, तो जो निकल गया वही दूसरा है, दोबारा नहीं निकालना होता, यही चेक किया जाता है कि आपको पता है या नहीं पता। तीसरी बात, यदि ये भी ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि ए सदिश बी के लंबवत हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में कितना कोण बना? कितना कोण बना? 90 डिग्री बना। क्लियर, कोण कितना बना? 90 डिग्री। आ जाओ, ए का जो मान है, ए सदिश ये ऐसे है, बी सदिश ऐसे है, तो बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री हो गया। तो कोस 90 की, क्योंकि ये जो वैल्यू वो किसके इक्वल है? थीटा जब दिया जाता है, कोण जब दिया जाता है, तो इसके अनुसार हल करना है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का मान 90 डिग्री है, तो कोस 90 कितना हो गया? कोस 90 का मान 0, ठीक है। ध्यान रखना भी, ये मान भी हमें इनका निकालने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। थीटा का जो मान 90 डिग्री है, तो कोस 90 का जो मान है वो क्या आएगा? 0 आएगा। जब कोस 90 0 हो गया, तो 0 से गुणा हो गई, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस स्थिति में क्या आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एग्जाम्स में, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यानी ऐसी स्थिति में आपको हल नहीं करना है, जैसे ए सदिश का मान दे दिया 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk, बी सदिश का मान दे दिया माइनस आईके माइनस 2jk प्लस 5kk, और कह दें कि ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी के लंबवत हैं, तो अपने क्या करेंगे? गुणा भाग करने बैठ जाएंगे, ठीक है। तब हमें वो ध्यान रखना है इस वर्ड का, कि अगर लंबवत है तो हमें हल नहीं करना है, ध्यान रखना है उसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। वो इसीलिए पूछा गया है कि तुम आप लोग उसको हल करने में कन्फ्यूज़ हो जाओ और आप उसके आंसर पे ना पहुंच पाओ, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए बी कोस थीटा के इक्वल होती है। जब आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, तो कोस 90 का मान 0 हो गया, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी, ये तो देखो हल करने के लिए महत्वपूर्ण है, एक बात, ये दोनों कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो इनका ज़रूर यूज़ होता है, भी एक अलग तरीके से यूज़ होता है, कि उनका वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा इससे, तो वो रिजल्ट दे दिया जाएगा और बीच की एक वैल्यू गायब कर देंगे, तो पूछ लेंगे यहाँ के का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, इस तरह से उसको हम सोल्व करेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं ये, ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस में हर क्लास में यूज़ होंगे, 11वीं में पूरे साल, 12वीं में भी यूज़ होंगी, आफ्टर 12th भी कहीं पर भी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये काम आएगी, और कंपटीशन में तो हर कंपटीशन में लगभग साइंस के सभी में आते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट बातें ये, तो उसी
पर्पज से अगर हम साथ साथ करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल होती रहेंगी। अब हम इसको सोल्व करने की बात करते हैं, तो आपको ये बातें तो लिखनी है पहले, तो आपको अलग से कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है। अब इसको हल कैसे किया जाता है हम क्वेश्चन लेके बात करेंगे, उससे सोल्व हो जाएगा। दो तरीके हैं इसके, अगर आपको कोण दिया गया है तो आपको थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, नहीं दिया गया तो ए डॉट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको दे दिया ए वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, दूसरा दे दिया बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, ऐसा दे दिया, क्लियर। और आपको क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या ज्ञात करना है आपको, ये कह दिया कि a डॉट b ज्ञात करो, ऐसा कह दिया, या ये कह दिया कि इनका अदिश गुणा ज्ञात करो, दोनों में से एक बात कह दी जाएगी, अदिश गुणा ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू स्केलर प्रोडक्ट फॉर गिवन वैल्यूज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन सॉल्यूशन विल बी ए डॉट बी। आप आदत ऐसी डाल लें कि जो चीज़ जैसे लिखी है आपको वैसे ही सोल्व करनी है, ए डॉट बी लिखा है तो अपने को बी डॉट ए नहीं करना है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अपनी आदत खराब हो जाएगी। ए डॉट बी अपने को पता है कि जब भी सदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो आपको जैसा क्रम है वैसे ही रखो, तो आप सदिश राशियों का सदिश गुणा जब हम करेंगे तो उसमें हम गलतियाँ नहीं करेंगे, फिर हमें आदत हो जाएगी कि ए डॉट बी ही लिखना है अपने को, तो क्रॉस लिखेंगे तो भी ए क्रॉस बी लिखेंगे, उसको आगे पीछे नहीं करेंगे। ये पहले लिखा है ना, पहले लिखा है क्वेश्चन में, तो आपको इसका मान भी क्या करना है, पहले लिखना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लाई, डॉट लगा देंगे बीच में, फिर b का मान लिखना है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। एक्चुअल में तो वही गुणा है जो अपने 8वीं 7वीं क्लास में करते हैं कि ब्रैकेट की पहली वैल्यू का अगले ब्रैकेट की सारी वैल्यू से गुणा करते हैं, ऐसे तो करते हैं, ब्रैकेट की फिर दूसरी वैल्यू का अगले की सारी वैल्यू से गुणा कर देते हैं, फिर तीसरी का सारी से कर दे, फिर जोड़ घटाव करके उत्तर निकाल लेते हैं, वही तरीका है। लेकिन यहाँ देखो क्या होगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2i कैप का माइनस i कैप से, तो संख्या का संख्या से गुणा हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर से गुणा हो जाएगा, जब तो i डॉट i आएगा इसके अंदर, देखो i डॉट i, ठीक है, दो का तो किससे गुणा हो जाएगा, माइनस एक, माइनस लगा ना तो माइनस एक, एक से गुणा करने पर तो वही संख्या रहती है, तो माइनस एक लिख देते हैं इसको, i डॉट i क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, और दो को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस दो आ गया, क्लियर। लेकिन जब इसका इससे गुणा करेंगे, दो का एक से गुणा, जे के साथ क्या है, कुछ नहीं है ना, एक है इसका मतलब, तो दो का एक से गुणा करेंगे दो आएगा, लेकिन जब आई का जे से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, तो जीरो से गुणा होते ही जीरो हो जाएगी, फिर लिखने की क्या जरूरत है उसको, आगे जाएंगे दो का चार से गुणा करेंगे आठ हो जाएगा, लेकिन आई का के से करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो आठ से जीरो गुणा होकर जीरो हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आई डो कैप वाले का आई कैप वाले से कर दो, जे कैप वाले का जे कैप वाले से कर दो, और के कैप वाले का, बस बाकी किसी को करने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस का ध्यान रखना, गलती हो सकती है, दो का माइनस एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस दो, एक बार मैं लिख देता हूँ, बाकी इतनों को लिखने की जरूरत नहीं होती, एक लाइन में उत्तर आ जाता है, ठीक है, ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तीन को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये भी प्लस तो प्लस ही आएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, जे डॉट जे, बाकी का क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी का जीरो हो रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। और प्लस के का के से करेंगे तो यहाँ एक है, एक का चार से करेंगे तो चार, के कैप डॉट, ये वैसे मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देख सकते हो, भी हमें पता आई डॉट आई वन होगा, दो का माइनस एक से किया तो माइनस दो आया, भी यहाँ एक हो गया, ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, प्लस का तीन आया, प्लस का चार आया, चार और तीन कितने हुए, सात में से दो गए पाँच, तो ए डॉट बी का मान कितना आ गया, पाँच आ गया, क्लियर। अब आपको अगला काम खुद करना है, वो करना है बी डॉट ए निकालना, ये आपको खुद करना है, ठीक है, कर लेंगे, बी को पहले लिख देंगे और ए को बाद में, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, वही आई डॉट आई, वही जे डॉट जे, वही मान आएगा, अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस एक इधर आ जाएगा, दो इधर आ जाएगा, तो दो गुणा तो वही हो रहा है, दो को माइनस एक से, माइनस दो ही आएगा, ये भी वही आएगा, ये भी सब वही आएंगे, लेकिन फिर भी हमें करके देखना है। ये पूछ लिया जाए, सिद्ध कीजिए ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो कैसे सिद्ध करेंगे हम, क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी तो वो वैल्यू आपको लेकर चलना है, जैसे मैंने दे दी ये वैल्यू आपको, तो आपको ये वैल्यू लेकर चलनी है,
नहीं दी तो आप लिख सकते हैं कि हमने माना ए वेक्टर बराबर ही है बी वेक्टर के बराबर ही है। तो आपने ए बी निकाला वो मान आ गया, बी ए निकाला वो मान आ गया, दोनों मान क्या आ गए सेम आ गया, तो सिद्ध हो गया ए डॉट बी बराबर बी डॉट, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना है। एक मेथड, सेकंड मेथड पे आते हैं अब। अगर आपको ये दे दिया जाए कि क्वेश्चन आप कैसे भी लिख लो चाहें बदल लो चाहें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बी सदिश बराबर दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसे दे दिया, ठीक है। और ये कह दें इनके मध्य आसान कौन सा रहेगा, अपने आसान को 60 ले लेते हैं, एक बटा दो होता है ना, इसलिए इनके मध्य कोण 60 डिग्री है, तब अदिश गुणा ज्ञात कीजिए, या कह दे ए डॉट बी ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। अब कैसे करना है, तो ये वैसे हम पहले कर चुके हैं ऐसी चीज़ें, फिर भी एक बार और हम कर लेते हैं इनको। तो आपको क्या निकालना है, हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात तो कि यहाँ कोण का यूज़ करना है, यहाँ आप डायरेक्ट लगा देंगे तो ये काम नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कब है, ये कब स्थिति है, जब दोनों सदिश समांतर होते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तब ए डॉट बी आ जाता है सीधा, क्लियर। तो वो उसके लिए है वो कंडीशन, जब कोण दिया गया है तो हमें ये अप्लाई करना है, यही अप्लाई करना है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कोस थीटा। अब देखो यहाँ से सारे मान निकालने हैं, इस समीकरण एक में तीनों मान निकाल के रख दें, दिख रहा है ये तीनों मान निकाल के रख दें, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लें, बस सॉल्व गुणा करना है, गुणा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ए का परिमाण निकालो, ए का परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है, देखो जो आई कैप के गुणा में होता है उसका मान क्या होता है एक्स, क्योंकि आई कैप किसकी दिशा को व्यक्त करता है एक्स दिशा को, जे कैप किसको व्यक्त करता है, इसलिए जे कैप के जो गुणा में होता है वो वाई का मान होता है, समझ में आ गई बात, के कैप के जो गुणा में होता है वो जेड का मान होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंबल साथ में लेना है, अगर माइनस है तो माइनस एक लेना है यहाँ, ठीक है, अकेला एक नहीं लेना है, माइनस का भी साथ में रखना, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, लेकिन फिर भी हमें वैल्यू सही लेनी है, गलत यूज नहीं करनी है। अब देखो यहाँ से x का मान y का मान और सब का वर्ग करके जोड़ दो और अंडर रूट ले लो, वही क्या होता है परिमाण होता है, कैसे निकलता है ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं चौथे चैप्टर में। आप इसमें से देखो a का परिमाण निकालना है, तो देखो i का गुणांक लिखेंगे, कोई गुणांक नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है गुणांक वहाँ, ठीक है, जीरो नहीं है, जीरो से गुणा होते तो वैल्यू जीरो हो जाती है, वो वैल्यू वहाँ होती नहीं है जिसका गुणांक जीरो होता है, जो वैल्यू होती है उसका गुणांक एक रहता है, एक है यहाँ, तो इसका एक का वर्ग करेंगे प्लस एक का वर्ग करेंगे प्लस एक का वर्ग करेंगे, जोड़ दें कितना हो गया, एक प्लस एक प्लस एक कितना आ गया, अंडर रूट तीन, ठीक है, अंडर रूट है ना, अंडर रूट तीन आ गया। अब इधर लिख देता हूँ मैं, फिर निकालते हैं बी का परिमाण, तो वही अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर वाई का स्क्वेयर जेड, एक्स का मान कितना यहाँ दो, तो ये क्या आ जाएगा दो का वर्ग प्लस वाई का मान कितना है, तो ये आ जाएगा एक का वर्ग, जेड का मान कितना है माइनस एक, ये ध्यान रखना, अभी माइनस प्लस की गलतियां हो सकती है तो ये ध्यान रखना, माइनस एक है तो ये रख देंगे माइनस एक का वर्ग, तो ये आ जाएगा चार प्लस एक प्लस एक, क्योंकि देखो पावर दो कर रहे हैं ना, तो एक का स्क्वेयर यानी एक गुणा एक, माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक गुणा माइनस एक, तो दो माइनस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन फिर भी हमें गलत नहीं यूज करना है, सही यूज करना है, कितना हो गया अंडर रूट छः। एक बात हो रहेगी क्या, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है एक बटा दो। अब ये सारे मान रख दो आप समीकरण नंबर एक में, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है ए डॉट बी का, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, तो आपको परिमाण निकालना भी आ गया होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ के नहीं है, ये मान लो यही लिखा हुआ है केवल ये आई प्लस जे, इसका मतलब जेड दिशा के अनुसार मान नहीं है, टू डायमेंशनल मोशन है ये, द्विविमीय निर्देशांक द्विविमीय गति है, तीसरी अक्ष नहीं है यहाँ, इसका मतलब यहाँ जेड का मान क्या है जीरो है, आगे ना समझे, तो अगर ऐसा नहीं है भी कोई एक वैल्यू कम है तो कहाँ गई वो।
अब ये सारे मान रख दो समीकरण एक से, तो समीकरण एक में रख दे हम, समीकरण एक से ए डॉट बी इज इक्वल टू आ गया क्या, ए का परिमाण कितना है अंडर रूट तीन गुणा अंडर रूट छः गुणा एक बटा दो, बस इसको सोल्व कर लो। अब देखो इसके अंदर भी आई जे के नहीं आए, नहीं आए ना, इसका मतलब कौन सा मान है, ये अदिश मान है, इसीलिए इसको अदिश गुणा कहते हैं कि रिजल्ट में आई कैप जे कैप के कैप इसमें नहीं आते हैं, केवल संख्यात्मक मान आते हैं और संख्यात्मक मान जो होते हैं वो अदिश राशियाँ होती हैं, इसलिए अदिश गुणा इनको कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, कैसे दिया जाएगा आपको, ये दिया जाएगा सिचुएशन कि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, बीच की कोई वैल्यू गायब हो गई वहाँ से, उसका मान पूछा जाएगा। कैसे दिया जाएगा, ए सदिश इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस चार के कैप, बी सदिश बराबर तीन आई कैप माइनस पी जे कैप प्लस के कैप। क्वेश्चन दे दिया, एक सदिश का मान दे दिया, कुछ भी दे दिया जा सकता है कोई भी, और बी सदिश का मान दे दिया लेकिन संख्या नहीं है, उसकी जगह क्या लिखा है, पी लिखा है, पी सी कोई भी अल्फाबेट लिख देंगे, और क्या देंगे, ये है दोनों सदिश क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। ये बात जरूर लिखी जाएगी भाई, ये बात आप ध्यान रखना, ये जरूर वर्ड होगा, अगर ये वर्ड नहीं है तो ये सोल्व नहीं हो सकता, ये जरूर होगा लंबवत हैं। तो P का मान क्या होगा, तो क्या ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, कैसे करें, अब भाई अदिश गुणा करना है हमें, ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं एक दूसरे के, लंबवत दे रखे हैं, तो लंबवत में हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है ए डॉट बी, तो हमें पता है इनका उत्तर तो क्या आएगा, ठीक है, गुणा हमें करना आता है, कर लेंगे ना, तो आई आई भी हट गया, जे जे भी हट गया, के भी हट गया, बीच में क्या बचा, पी बचेगा, तो एक समीकरण से एक मान ज्ञात किया जा सकता है, पता सभी को, एक समीकरण से एक मान ज्ञात किया तो वो हम ज्ञात कर लेंगे। जब दो मान ज्ञात करने होते हैं तो दिक्कत होती है, जैसे दसवीं में आते हैं ना विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करते हैं, तो वहाँ हमेशा दो समीकरणों का ग्रुप दिया जाता है, जोड़ा दिया जाता है, एक दो समीकरणें होती है, क्योंकि वहाँ x और y दोनों के ज्ञात करने होते हैं, यहाँ एक ही ज्ञात करना है तो एक ही समीकरण चाहिए, वो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी, तो हमें अप्लाई करना आना चाहिए, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लंबवत दे दिया तो लंबवत में क्या लग सकते हैं, क्या लग सकते हैं, ए डॉट बी बराबर क्या लग सकते हैं, जीरो लग सकते हैं, तो ये आ जाएगा दो आई कैप, मान रख रहा हूँ मैं यहाँ दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस चार के कैप इंटू तीन आई कैप माइनस पी जे कैप प्लस के कैप बराबर क्या हो गया, अब पता आगे कैसे करना है, आई डॉट आई वन, तो तीन को दो से गुणा करेंगे कितना आएगा, जे डॉट जे वन, तो या तो एक है या माइनस पी है, एक को माइनस पी से गुणा करें क्या आएगा, माइनस पी, और के डॉट के वन चार को एक से गुणा करें कितना आएगा, चार बराबर जीरो, तो माइनस पी प्लस दस बराबर क्या हो गया, पी को इधर ले जाओ चाहे दस को इधर ले जाओ एक ही बात है, पी इधर आएगा प्लस में हो गया ना, तो पी बराबर क्या हो गया, दस, भाई दस को इधर ले जाओ, बात तो एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, ये दस इधर आ जाएगा तो माइनस दस हो गया ना, तो माइनस से माइनस कट गया कितना गया, ये बराबर दस, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, P का मान क्या आएगा यहाँ, 10 आएगा, और जब हम 10 रख के देखेंगे तो उत्तर 0 हो जाएगा, ये दिख ही रहा है, 10 P की जगह 10 रखते हैं, 10 माइनस 10 बराबर 0, और लंबवत की यही तो कंडीशन होती है, तो इतनी तरह की बातें इसके अंदर है, ये कंपटीशन के लिए ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है, दूसरी बात इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बाकी अपने अकॉर्डिंग टू 11th क्लास हमें ये पूछ लिया जाता है, भी करके दिखाओ ए डॉट बी मान ज्ञात कर, दो सदिश दे दिए, दोनों के मान इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, लंबवत दे दिए तो मान कितना होगा, डायरेक्ट जीरो लिख दो, ठीक है, तो आप इसको समझ लें, दो तीन क्वेश्चन आप करके देखें, बुक से करके देख लें,
और खुद बना ले, संख्याएं तो चेंज करनी, अपना उत्तर अपने पास, कैलकुलेशन अपने पास होनी चाहिए सही है या नहीं है। तो आप इसको रिवाइज कर लें, लिख लें, फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।